हेलो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड माय फर्स्ट चैनल इस चैनल में मैं आपके सामने लेके आऊँगा सौरभ जोशी कार्टून ब्लॉग्स तो सौरभ जोशी भैया का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके सारे चैनल ब्लॉग्स में डेली देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वैसा ही करना चाहिए तो फिर मुझे लगा कॉपी हो जाएगा बट कॉपी अपन दूसरे तरीके से करते हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका कार्टून बनाया जाए क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ऐसा ही मिमिक्री टाइप का उनका एक वीडियो था जो भी उनकी नकल थी किसी और ने बनाया था और वो मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा वही चीज़ अपन करते हैं कार्टून स्टाइल में तो डेली कार्टून ब्लॉग मैं लेके आऊँगा आपके सामने आ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा प्यार देना मुझे सब्सक्राइब और लाइक देना और सौरुभ जोशी भैया से एक बात करना चाहता हूँ अगर उनको पसंद ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना मैं डिलीट कर दूँगा सारे वीडियोस और आज से बाद में कभी भी ये वीडियोस नहीं बनाऊँगा बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिल बहुत बड़ा है और अलाउ करेंगे मुझे ये काम करने का क्योंकि ये मेरा शौक़ है और मैं उनको लाइक करता हूँ तो वही चीज़ जो दिखा रहे हैं मैं वही चीज़ कार्टून में करके दिखा रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि वो अप्रूव कर देंगे इस चीज़ को तो चलिए शुरू करते हैं हेलो गाइस गुड मॉर्निंग अभी सुबह के बज रहे पाँच मैं तो ना धो के रेडी हो गया हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने गांव पूरी फैमिली के साथ सात बजे निकलने का प्लान है पैकिंग हो गई है मैंने अपना सामान रख लिया है बाकी आज तो पीयूषी भी रेडी हो गया है और मम्मी पापा सब रेडी है हमेशा की तरह ओलियो भी रेडी हो गया है एज यूजल हम एक घंटा लेट है आ, देखते हैं जल्दी निकलते हैं और आज तो जल्दी रेडी हो गया ना ये पीवीसी नहा लिया क्या मुझे लगता नहीं ना है नहाया नहीं ना है ये इसने तो मुंह भी नहीं धोया ब्रश भी नहीं किया आज तो ओलू का सामान भी रख लिया है उसके लिए चद्दर भी ले लिया उसको पीछे बैठा दिया है ताकि उसके बाल ना आए और ना वो ड्राइविंग में मुझे परेशान करे ओलो ओलू ओलू कहाँ चल रहे ओलू ओलू तो गाइस हमने बीच में एक ब्रेक ले लिया है काफी दूर था रास्ता लंबा रास्ता था इसलिए हमने सोचा एक जगह रुक जाते हैं और थोड़ा बहुत खाना पीला कर लेते हैं तो मैंने तो मंगवा लिए छोले अब तो देखते हैं और क्या लेते हैं तो गाइस यहाँ पे मम्मी की लड़ाई हो गई है यहाँ पे देखते है क्या होता है मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया खाना मम्मी की लड़ाई हो गई है मम्मी डब्ल्यू 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 तो गाइज मम्मी का फास्ट आज मम्मी ने पकड़ लिया उनको उन्होंने पुराने छोले बासी छोले दे दिए थे मम्मी ने देखते पकड़ लिया और ख़ास बात यह है कि रेस्टोरेंट वालों ने मान भी लिया कि वो, वो पुराने छोले हैं और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए खेर पैसे क्या क्या करते थे गंदे हमने तो खाए भी नहीं ठीक है गाइज चलो फिर आगे चलते हैं तो गाइज़ अब हम पहुंच गए अपने गांव यहाँ आते आते हमें लग गया लगभग सात घंटे बीच में मम्मी को उल्टी भी हो गई थी उनका बड़ा टूट गया है और पीषी की भी तबीयत खराब हो गई थी पीषी तो ठीक है तो गाय ये है कुनाली और कुनाली आ गया है और इसको ओरियो से बहुत डर लग रहा है कुनाली और ओरियो की बहुत लड़ाई हो गई है कुनाली ओरियो से डर रहा है कुनाली आपको ओरियो से डर लग रहा है हाँ, मुझे मुझे डर लग रहा ओरियो हो जाएगी खा जाएगा तो गाय अब सबने खाना खा लिया है और बड़े प्यार से खाना खाए है बड़े दिनों बड़ा अच्छा लगा सबके साथ बैठ के बड़े दिनों के बाद में दादी से भी मिले सबसे माँ सबसे मिल गए चाचा चाची से मिले बहुत अच्छा लगा बड़ा अच्छा लगता है गाय जैसे और क्या चाहिए यही मेरा कल्चर है यही मेरा काम है और हम ऐसे पहाड़ी लोग ऐसे रहते हैं बड़ा प्यार से बड़े मज़ा आते हैं गाइज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देख के बड़ा प्यार सबके साथ रह के फैमिली के साथ रह के तो भाई गाय अब मैं थक गया हूँ बहुत लंबा रास्ता था आज तो चलो रेस्ट करते हैं थोड़ा सा और फिर कल मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ ओके गाइज बाय प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप अपने फीडबैक देना मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस क्लॉक को अच्छा बनाने की अब देखते हैं क्लॉक कैसा बनता है आगे आ, कोशिश तो मैं करता रहूँगा होप आप लोग लाइक भी करेंगे अब देखते हैं चलो गाइज लव यू बाय